क्राइम ब्रांच को गुप्त जानकारी मिली थी कि लकड़गंज परिसर के गरोबा मैदान के पास शंकर कोल्ले अपने घर से सुगंधित तंबाकू खर्रा पान मसाला की बिक्री कर रहा है। इस जानकारी के आधार पर कार्रवाई करते हुए आरोपी को हिरासत में लिया गया है। क्राइम ब्रांच के यूनिट 4 को मिली गुप्त जानकारी के आधार पर लकड़गंज परिसर के गरोबा मैदान माटे चौक निवासी शंकर कोल्ले ने अपने घर में पान मसाला सुगंधित तंबाकू खर्रा की बिक्री अवैध तरीके से घर से ही कर रहे हैं। इसी जानकारी के आधार पर पुलिस और एफडीए के अधिकारी अमित कुमार उपलब्ध के साथ मिलकर कार्रवाई की। कार्रवाई में शंकर कोल्ले के घर से विविध कंपनियों के सुगंधित तंबाकू खर्रा पान मसाला 10 किलोग्राम करीबन कीमत 14,825 का मुद्देमाल जब्त किया गया। कि आज दुपारच्या वेळेला आमचे गुप्त बातमीदारामार्फत मला माहिती मिळाली की लकडगंज नदीमध्ये एका ठिकाणी एक किसम जो आहे तो सुगंधित तंबाखू विविध कंपनीचा सुगंधित तंबाखू खर्रा पान मसाला त्याचप्रमाणे इतर आवश्यक वस्तूची गैरकायदेशीर विक्री करतो आहे। तर या माहितीवरून आम्ही फूड अँड ड्रग्सचे जे अधिकारी आहेत त्यांना सोबत घेतलं, पंचांना सोबत घेतलं आणि त्या माहितीवरून त्या ठिकाणी छापा घातला असता आम्हाला एकूण 14,825 रुपयाचा मुद्देमाल त्या ठिकाणी मिळाला। त्यामध्ये विविध कंपन्यांचे सुगंधित तंबाखू खर्रे आहेत, त्याच्यामध्ये त्याचप्रमाणे पान मसाल्याचे पॅकेट्स आहेत आणि इतर वस्तू आहेत। तर हा सर्व मुद्देमाल आम्ही जप्त केलेला आहे। म्हणजेच फूड इन्स्पेक्टर आणि जे फूड डिपार्टमेंटचे अधिकारी आहेत त्या सर्वांनी हा सर्व मुद्देमाल आणि आज जप्त केलेला आहे आणि आरोपीला सुद्धा अटक करून त्यांना आता पुढील कारवाईसाठी पोलीस लकडगन यांच्याकडे हॅन्डओव्हर केलेलं आहे। लॉकडाउन के दरमियान आरोपी ने खराब पान मसाला सुगंधित तंबाकू जैसे अपायकारक पदार्थों का साठा कर बिक्री की है, जो कि शासन आदेशों का उल्लंघन है। इसीलिए एफडीए के अंतर्गत शंकर कोल्ले पर कार्रवाई की गई है। कैमरा पर्सन वीरेंद्र खोबरागड़े के साथ क्षितिजा देशमुख की रिपोर्ट, NBCN न्यूज नागपुर।